ये स्टॉक में देखें तो एक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक का। अगर हम मंथली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक में अब जो रिकवरी बनी है पिछले कुछ महीनों में, अब एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है मंथली चार्ट पे। ऑलमोस्ट स्टॉक ने अब 2014 के जो इसके हाई थे वो हाई को अब यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो अब मंथली वीकली डेली तीनों ही टाइम फ्रेम पे एक अच्छा यहाँ पे रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में यहाँ से अब हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से अप ट्रेंड के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिंदल ड्रिल के ड्रिलिंग के टारगेट जो आना चाहिए, करीब आना चाहिए 380 से 400 रुपये तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी आगे आने वाले महीनों में। तो जिंदल ड्रिल बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 254 के आसपास। ओके तो ये है आपके लिए जिंदल ड्रिलिंग में खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। पालिया साहब को पसंद है, 254 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 254 का टारगेट 380 से लेकर 400 तक के बनते हुए आपको नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म पिक दोनों की तरफ से।